नमस्ते, स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है। उपमा एक ऐसा व्यंजन है जो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं। उपमा बनाने के अलग अलग प्रकार हैं। अवरेकाडो उपमा, ब्रेड उपमा, बहुत लोग दक्षिण भारत में इसे उपिटू भी कहते हैं। आज स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं सब्बक की उपिटू। आइए देखते हैं। सब्बक की उपिटू बनाने की सामग्री है सब्बक्की या साबूदाना। मैंने इसे 2 घंटे से भुनभुने पानी में भिगोया हुआ है। गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। ये पके हुए आलू हैं। मैंने इनको पकाकर काटकर यहाँ रखा हुआ है। शिंग या तूर दाल, जिनको मैंने भूनकर और पीसकर यहाँ रखा हुआ है। हरी मिर्च, नींबू का रस, जीरा, नमक, तेल, धनिया का पत्ता। पहले एक पैन लेकर उसे गर्म करते हैं। अब इसमें डालूंगी थोड़ा तेल, जीरा, हरी मिर्च। आप यहां मिला सकते हैं राई के दाने, हल्दी और अगर आपको पसंद है तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालूंगी भुने हुए या पिसे हुए शिंग या तूर दाल। अब इसको अच्छे से भून लूंगी। जब ये एक अच्छी खुशबू देने लगे तब मतलब है ये अच्छे से पक चुका है। अब ये शिंग अच्छी सी खुशबू दे रही है। अब इसमें मैं डालूंगी पके हुए आलू, जिनको मैंने उबालकर काट कर रखा है। इसको अच्छे से अब भून कर अब इसमें मैं डालूंगी पहले से भिगोए हुए साबूदाने। साबूदाने को भूनने के लिए बहुत तेल इस्तेमाल होता है, इसीलिए डालूंगी थोड़ा ज्यादा तेल। साबूदाना तेल ज्यादा सोखता है। अब डालेंगे नमक स्वादानुसार। अच्छे से सबको मिला लीजिए। मैंने अच्छे से सबको मिला लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा नींबू का रस। गैस बंद कर दिया है मैंने। सब्बक की उपिटू अब तैयार है। इसे गार्निश करने के लिए थोड़े धनिया पत्ते इस पे डालेंगे। गरम और स्वादिष्ट सब्बक की उपिटू तैयार है और सर्व किया है। इसको अगर आप खाते हैं ठंडे मजेदार दही के साथ तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। अगर इसको आप खाते हैं नाश्ते में तो आपका पेट भरना ही भरना है, फिर आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, लंच में भी खाने की जरूरत नहीं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें है ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और फैट बहुत कम। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनको है हाई ब्लड प्रेशर। अपने घर पे बनाइए और मजे उठाइए।